सो दिस इज सौरभ ठाकुर एंड टूडे वी विल टॉक अबाउट टेरी इगल्टन इसका पूरा नाम है टेरेंस फ्रांसिस टेरी इगल्टन टेरी इगल्टन इसे कहा जाता है ठीक है तो ये जो बंदा था ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इंग्लिश बंदा था ये याद रखना हम मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं मार्क्सिज्म पे ये थर्ड लेक्चर है पहले वीडियो में मैं मार्क्सिज्म अच्छे से, से समझा चुका हूं एंड इन सेकंड लेक्चर वी हैव टॉक्ट अबाउट राइटर किसकी बात की थी हमने मैं खुद भी भूल गया किसकी बात की थी ये थर्ड लेक्चर है टेरेंस फ्रांसिस टेरी इगल्टन पे ठीक है तो हम आज टेरी इगल्टन की बात करेंगे इसके थोड़े से आइडियाज किस बारे में बात करता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा थोड़ा नहीं बताऊंगा बहुत बताऊंगा किसके बारे में बताऊंगा बहुत इसके वर्क के बारे में, में. क्योंकि इसका जो है इसके वर्क्स हां एंटोनियो ग्रामशी पे पिछली वीडियो बनाई थी अभी याद है ठीक है तो वो वो आपने देख लेना है। ये दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन मार्क्सिज्म तो ये जो बंदा है इसके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं ठीक है तो वर्क्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे इसकी टर्म्स कुछ खास है नहीं जैसे कि ग्राम की टर्म्स थी कल्चरल हेजिमनी थी या फिर पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी है या फिर इंटलेक्चुअल्स है ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है इसकी ऐसी कोई खास टर्म है नहीं तो हम आज वर्क्स की इसकी ज़्यादा बात करेंगे ठीक है तो आपने वर्क्स याद रखने क्योंकि मैचिंग में वर्क्स आ सकते हैं इसके और कई बार आए भी है इससे पहले ठीक है चलो जी तो फ्रांसिस इगल्टन जो है ये फिलोसफर था और 1943 में ये बॉर्न हुआ है अभी इसका मुझे पता नहीं है जिंदा है या मर गया है ही वॉज अ प्रोफेसर इन लैंसेस्टर यूनिवर्सिटी किसका प्रोफेसर था कल्चरल थियरी का ये प्रोफेसर था तो कल्चर से ये रिलेटेड काफी चीजें लिखेगा ठीक है और मार्क्स तो ये था ही था और ये जो काल मार्क्स है उसका भक्त था भक्त मतलब ऐसे कह सकते हो कि ही यूज टू फॉलो हिम और उसके लिए उसने एक वर्क भी लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसका वर्क वर्क से स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? ईगल आपने याद कैसे रखना ईगल की तरह ईगल कैसे आसमान में उड़ता है हर चीज पर नजर रखता है किस किस चीज पर नजर रखेगा क्या क्या काम करेगा अभी हम देख लेते हैं इसको उस तरीके से आपने रिलेट करना इसके वर्क के साथ ठीक है चलो जी तो सबसे पहले इसका वर्क है द आइडियोलॉजी ऑफ द एस्थेटिक 1990 में आया ये ठीक है उसके बाद एक इसका एक वो और वर्क आया दल्यूजन इल्यूजन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म देखो भाई अगर आपको पोस्ट मॉडर्निज्म का नहीं पता क्या है तो आई हैव अ वीडियो ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म नॉट इवन अडियो आई हैव लेक्चर सीरीज ऑन पोस्ट मॉडर्निज्मी है सो आई हैिज्म वेरी वेल तो आप वो देख लेना इल्यूजन क्या है पोस्ट मॉडर्निज्म में ये इसकी आइडिया की हम बात में बात करेंगे ठीक है तो आइडियोलॉजी ऑफ दिन नाइनटी और ये आया है मेरे जब मैं पैदा हुआ था नाइनटीन नाइनटी सिक्स में तो इस तरह से आपने याद रखना ठीक है तो अब जो इल्यूजन है वो कौन दूर करेगा ईगल्टन कहां उठ रहा है आसमान में ठीक है क्योंकि आसमान से सारी चीजें साफ दिखाई देती है तो इल्यूजन ऐसे आपने याद रखना ठीक है तो चलो जी अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए जाना जाता है उसका नाम है लिटरेरी थियरी लिटरेरी थियरी एन इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन ठीक है जी कोई ठीक है भी नहीं बोल सकता ना वैसे मेरी क्लासेस लाइव ही होती है एक हिसाब से क्योंकि मैं जब लेक्चर बनाता हूं मैं कोई एडिटिंग नहीं करता मैं पूरा लेक्चर शूट करता हूं एक बार कई बार ऐसा दो चार बार आज तक ऐसा हुआ है कि मुझे कोई गलतियां नजर आती है तो मैं पूरा लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करता हूं मैं कोई बीच में एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूं मैं जुबानी याद करके आपको सब कुछ बताता हूं ठीक है कोशिश करता हूं इतना है कि हम इसे बात नहीं कर सकते जिस लाइव में होता है पर वैसे लाइव ही समझो आप एक हिसाब से सो थियरी एंड इंट्रोडक्शन नाइनटीन में यह वर्क आया है एंड इट वॉज रिवाइज इन नाइनटीन सिक्स ठीक है जी मेरे पैदा होते ही दोबारा इन्होंने रिवाइज कर लिया इसको बड़े तेज लोग हैं लिटरेरी थियोरी एंड इंट्रोडक्शन क्योंकि ये कल्चर थियोरी का एक प्रोफेसर था ठीक है तो आपने याद रखना है लिटरेरी थियोरी अब ये जो बंदा है अब ये बात करेगा अब जो कार्ल मार्क्स है ही रोट एन अपोलॉजी फॉर दिस राइटर उसका नाम क्या रखा वाई मार्क्स वॉज राइट वाई मार्क्स वॉज राइट ठीक है जी ये कब आया दो हजार ग्यारह टू थाउजेंड इलेवन ठीक है जब मैं प्लस वन में था तो वाई मार्क्स वॉज राइट तो मार्क्स क्यों राइट है ईगल ऊपर से देख रहा है ऊपर से जब हम कोई चीज देखते हैं तो सब साफ साफ नजर आता है ना तो ईगल है वो देख रहा है कि भाई मार्क्स क्यों सही था ऐसा याद रखना ठीक है थीके? वाई मार्क्स वॉज राइट ठीक थी? है जी लिटरेरी थियोरी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इसमें स्टार लगा दिया ठीक है लिटरेरी थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं ना तो आप ये समझो कि लिटरेरी थियरी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी टेरी इगल्टन ने बात की और ये इंग्लिश था एंटोनियो ग्राम सी इटालियन था ठीक है तो आपने ये चीजें भी याद रखनी कई बार कंट्रीज भी पूछ लेते हैं इनकी इनका नहीं लगता पता कभी इनका दिमाग घूम जाए नेट वालों का है ना चलो जी इतने वर्क हो गए अभी और बताऊंगा आपको टेंशन नहीं लेनी है थाम के दिल थाम के बैठ जाओ बांध लो सीट की बहुत सारे वर्क्स आने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए नेट के लिए ठीक है चलो जी तो अब क्या होता है कि इसका एक और वर्क आता है आपने एक चीज याद ध्यान रखना एन इंट्रोडक्शन करके इसके तीन वर्क्स हैं सबसे पहले मैंने बताया लिटरेरी थियरी एन इंट्रोडक्शन नाइनटीन एटी थ्री रिवाइज इंड नाइनटीन नाइनटी सिक्स ठीक है दूसरा इसका वर्क है द इंग्लिश नॉवल द इंग्लिश नॉवल सब टाइटल एन इंट्रोडक्शन एन इंडिया के आजाद होने से एक साल पहले इसने बताया कि इंग्लिश नॉवल कैसा होता है ठीक है जी जैसे हमारे तो पता ही नहीं चलो तो ये आपने ऐसे याद रखना है गल्टन ने ठीक है जी 1946 में अब इसने क्या किया कि जो इसकी लिटरेरी जो बुक थी वो किस बारे में थी वो थी ही ट्रेस दिस्ट्री ऑफ द स्टडी ऑफ टेक्स्ट की स्टडी टेक्ट की स्टडी कैसे हुई है जितने वर्क्स वगैरह है उसकी इसने स्टडी की उसकी हिस्ट्री को इसने ट्रेस किया उस वर्क में लिटरी थियरी एंड इंट्रोडक्शन वाले वर्क में कि क्या हिस्ट्री थी कब से लेकर रोमांटिक एज ऑफ नाइनटीन सेंचुरी टू पोस्ट मॉडर्निस्ट एज लेटर ट्वेंटी सेंचुरी ठीक है जी तो नाइनटीन सेंचुरी से सेंचुरी के बीच में जो वर्क थे जो टेक्स थे उसको इसने स्टडी किया उसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया उस वर्क में ठीक है द इंग्लिश नॉवल एंड इंट्रोडक्शन ये आपने वर्क याद रख लेना है, ठीक है वैसे इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता पर शुरू के जो मैंने दो तीन चार आपको वर्क्स बताए वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी इनका पता नहीं लगता कौन सा वर्क कहाँ से पूछ लेते कई बार ऐसा होता है नेट में कि ये माइनर से ज्यादा उठा लेते कोई मेजर राइटर है तो उसका सबको पता है कि भाई इसके सारे मेजर वर्क सभी ने पढ़े ठीक है तो क्यों ना इसका कोई माइनर उठा दिया कोई माइनर वर्क उठा दिया क्योंकि माइनर हम पढ़ेंगे नहीं है ना तो हमेशा ये मत सोचना कि आपको मेजर वर्क ही पढ़ने कोई राइटर है अगर बहुत मेजर राइटर तो उसके माइनर वर्क को भी पढ़ो ठीक है क्योंकि माइनर वर्क से क्वेश्चन आएंगे दे जस्ट वॉन्ट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लीकेटेड एंड टू मेक थिंग्स कॉम्प्लीकेटेड दे चूज द फाइनर वर्क्स ठीक है चलो जी तो इंग्लिश नॉवेल हो गया अब इसने एक और मेमोयर था इसका ठीक है जी मेमोयर क्या था द गेटकीपर चौकीदार चौकीदार हमारे देश में भी है एक बड़ा खतरनाक द गेटकीपर तो ये गेटकीपर आपने याद रखना इसकी डेट मुझे बतानी है ठीक है द गेटकीपर इसका क्या है मेमोयर एम ई एम ओ आई आर मेमोयर आर साइलेंट होता है इसमें मेमोयर ठीक है तो गेट कीपर इसका हो सकता है कई क्वेश्चन आ जाए कि ये मेमोर किसका ट्रेरी गल्डन के मेमोर का क्या नाम था या फिर द गेट कीपर राइटर का मेमोर है ठीक है ये याद रखना है फिर इसकी एक और बुक आई आफ्टर थियरी आफ्टर थियरी टू थाउजेंड थ्री ठीक है बहुत ही लेटेस्ट बंदा है लेटेस्ट वर्क भी इसने बहुत लिखे है शायद ये अभी भी जिंदा हो सकता है पॉसिबली आपने एक बार चेक कर लेना आफ्टर थियरी टू थाउजेंड थ्री अभी आफ्टर थियरी में क्या बात करता है जो भी करंट में कल्चरल जो थियरी या फिर लिटरी थियरी चल रही थी उसकी इंडेक्टमेंट करता है ये indictment होता है किसी चीज को अक्यूज करना किसी को ब्लेम करना ठीक है तो ये उसमें कमियां निकाली है इसने कि करंट में जो सिचुएशन चल रही है जो लिटरी थियरी चल रही है उसमें क्या कमियां ठीक है जी तो आफ्टर थियरी टू थाउजेंड थ्री हो गया हमारा फिर अब मैं आपको इसके थोड़े से कंसेप्ट की बात बताता हूँ कि ये क्या बात करता है ये बोलता है कौन से ये बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है ना कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ठीक है जी क्योंकि पोस्ट मॉर्डिज मैंने बताया था बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे जॉनर आ गए थे कि जिसका कोई सिर पैर नहीं था जैसे प्ले के अंदर प्ले मतलब स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी ठीक है इस टाइप की चीजें और उसमें आप वो कह सकते कि बहुत सारी लैंग्वेज ले ली कहीं से एक कोई आप वर्क लिख ले उसमें दस लैंग्वेज आपने डाल दी या फिर दस वर्क से आपने उसमें रेफरेंसेज डाल दी ठीक है अल्यूजन बहुत हुआ करते थे तो उसमें कोई एब्सोल्यूट नहीं होता था ठीक है तो ये क्या कहता है कि भाई एब्सोल्यूट होता है ये बोलता है कि पोस्ट ये इल्यूजन ऑफ पोस्ट मॉडन बात की है ना, शायद उस वर्क में बात की कि होता है, क्या होता है, हम जिस में है, है जो हमारे पास बॉडी है, है जो ठीक है अच्छी सी मुझे लगता है बड़ी अच्छी है, पर ये हमारी है नहीं वी कैन नॉट ओन आवर ओन बॉडी बिकॉज वी डिड नॉट डू एनीथिंग टू अक्वायर इट समझ जो? समझ जो? समझ जो? नहीं समझो देखो हमने हम अपनी बॉडी को ओन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमने इसको पाने के लिए कुछ किया ही नहीं हम जस्ट पैदा हो गए हमें ये बॉडी मिल गई हमने इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया ठीक है अब अगर हम ये बात करें थियोलॉजी की बात करें तो हिंदू तो बोले बोलेंगे कि इतने जन्म होते हैं जी चौरासी लाख जन्म होते हैं ठीक है थीके? उसमें फिर हम जो कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें अपना अगला जन्म मिलता है लेकिन मुसलमान कुछ और बोलते हैं बोलते है, एक ही जन्म होता है जो करना है इसमें ही करो ठीक है क्रिश्चियन की कुछ और है तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं कोई फाइनल चीज़ में नहीं जा सकता क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के एरा में मैं भी रह रहा हूँ तो इसमें कोई एबसुल्यूट चीज़ नहीं बट दिस पर्सन सेज दैट देयर इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट अब absolute क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसको हम ओन नहीं करते क्योंकि हमने उसके पानी के लिए कुछ किया नहीं है एब्सोल्यूट क्या है अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप सुसाइड कर सकते हो ठीक है मतलब कि सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप इस चीज से निजात पा सको अपनी बॉडी से एब्सोल्यूट तक आप पहुंच सको उसका एक ही तरीका है आप सुसाइड कर लो एब्सोल्यूट ट्रूथ आपको मिल जाएगा डेथ आपको मिल जाएगी सब खत्म खत्म टाटा बाय बाय ठीक है तो वो बात ये बोलता है तो ये यही बात बोलता है कि जो डेथ है वो एक एब्सोल्यूट क्रिएट करती है क्योंकि हम डेथ को दिमाग में रखकर चलते हैं कि हमने अपने जो एक्शन है उनको कैसे कंट्रोल करना है हम अपने डेथ के हिसाब से एक्शन को कंट्रोल करते हैं कि हमारी डेथ हो जाएगी यार चलो उससे पहले शादी कर लेते हैं बाल बच्चे कर लेते हैं कोई घर बना लेते हैं गाड़ी ले लेते हैं पैसा कमा लेते हैं ना वो सारी चीजें तो ये बोलता है कि जो डेथ है वही एक एब्सोल्यूट चीज है जो कि हमारी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट चीजों कि जो हम एक्शन करते हैं उस एक्शन को कंट्रोल करते हैं उस हिसाब से हम ठीक है तो ये थोड़ा सा उस बारे में बात करेगा ठीक है जी चलो जी कुछ और वर्क्स में बता देता हूं आपको आइडिया द आइडिया ऑफ कल्चर द आइडिया ऑफ कल्चर जब आगे वॉल साउंड हो तो इसको दी पढ़ेंगे ठीक है द आइडिया ऑफ कल्चर टू थाउजेंड ठीक है जी दो हजार में पैदा हुआ The आइडिया ऑफ कल्चर ठीक है जी आइडिया किसके मन में आया उड़ रहा है फिर आएगा आपका ऑन इविल अब इविल की बात तो ईगल ही करेगा आपने याद रखना है कि इसकी आंख जो है इविल के ऊपर है कि कौन बुरा कर रहा है मैं देख रहा हूं ईगलटन ठीक है जी ऑन इविल टू थाउजेंड टेन ठीक है उसके बाद एक इसका और वर्क है रेडिकल जो कि आज लोग भी है ना कई रेडिकल लेकिन वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करते हैं बल्कि रेडिकल लोग तो दूसरों का सेक्रीफाइस लेते हैं दूसरों को परेशान करते, है। करते हैं करते हैं उनको परेशान करते हैं लेकिन रेडिकल सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ पे रेडिकल सेक्रीफाइस दो हजार अठारह बहुत ही लेटेस्ट वर्क है जी ठीक है अब इसका एक और वर्क है कल्चर एंड द डेथ ऑफ गॉड गॉड इज डेड किसने बोला है डेथ ऑफ गॉड गॉड इज डेड किसने बोला है आप अपने मन में बोलो मैं सुन लूंगा मैंने सुन लिया किसने बोला है फ्रेडरिक नीचे ने ठीक है जी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई चेक कर लेना कल्चर एंड डेथ 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 नहीं है ना डेथ ऑफ गॉड अब ये कब आया था 2014 2014 में ठीक है चलो जी अब अब ये बंदा जो है ये मीनिंग भी ढूंढ रहा है लाइफ में क्योंकि ऊपर उड़ रहा है ना आसमान में सब देख रहा है यार भाई मीनिंग क्या लाइफ का द मीनिंग ऑफ लाइफ मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ दो हजार सात में बेचारा जब मैं सेवंथ में था चलो जी तो जब मैं 7th में था आप भी देख लेना दो हजार सात में कौन सी क्लास में थे ये समझ ना कि जब आप उस क्लास में थे आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ रहे थे और मीनिंग कौन ढूंढ सकता है जो आसमान में उड़ रहा है ईगल ठीक है जी द मीनिंग ऑफ लाइफ चलो जी अगला इसका वर्क रीजन फेथ एंड रेवोल्यूशन इसका कुछ सब टाइटल भी है पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा है ना तो इतना ही याद रखो रीजन फेथ एंड रेवोल्यूशन जब मैं में था तो में जब मैं था तो मैं बहुत रेवोल्यूशनरी हो गया था ना मैं हाउस कैप्टन बन गया था <laughs> तो मैं बहुत सारे रेवोल्यूशन लाना चाहता था स्कूल में पर चलो मुझे एक फिफ्थ की क्लास की लड़की पर क्रश भी हो गया था जब मैं नाइन टेंथ में था वो अपने स्कूल की कैप्टन थी प्राइमरी की और मैं नाइन्थ का उस टाइम शायद हाउस कैप्टन बना था नाइन्थ या टेंथ में तो मुझे उससे उस पर क्रश हो गया था काफ़ी कोशिश की लेकिन उससे कभी बात नहीं हो पाई एक बार शायद कोशिश भी की थी पर वो छोटी थी ना बच्ची थी क्या बात करती है फिर रखूंगा फिर फिर भी, 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 भी उड़ा, उड़ा दूंगा और बच्चा लगूंगा चलो जी तो ये मैंने आपको ना वर्क्स बता दिए काफी सारे मैंने वर्क्स बता दिए आपको टेरी इगल्टन के ये वर्ग्स अच्छे से याद रखने याद रखना टेरी टेरीटन मार्क्सिज्म में आता है कहां कहा है इंग्लिश मार्क्सिज्म में आता है ठीक है और इसके ये जो बात करता है कल्चर कल्चर की ज्यादा बात करेगा एन इंट्रोडक्शन से इसका हां एक वर्क मैंने नहीं बताया आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी एन इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन से इसके तीन वर्क है लिटरी थे इंट्रोडक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद द इंग्लिश नॉवल एन इंट्रोडक्शन नाइनटीन ठीक है उसके बाद है आइडियोलॉजी एन इंट्रोडक्शन अब इसका ईयर क्या था 1993, 1993 ठीक है जी आइडियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन आपने इतने वर्क्स इसके हो सकता है तो याद रख लो मैंने कोशिश की कि रिलेट करके बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ तो कुछ नहीं है आफ्टर थीरी भी हो गया सब कुछ ही हो गया रीजन फेथ एंड रेवल्यूशन जो मैंने आपको इसका सब टाइटल ऐसी बोल के बता देता हूँ रिफ्लेक्शन ऑन द गॉड डिबेट रिफ्लेक्शन ऑन द गॉड डिबेट टू थाउजेंड नाइन ये है इसका सब टाइटल बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया ठीक है जी तो टेर हो गया इसके बाद जॉर्जी लुकाश की बात करेंगे इंटरपलेशन वाला बंदा लुई ऑल्टिजर की बात करेंगे आई एस ए आर एस ए बात की है वो सारी वीडियोस हम कवर कर लेंगे आने वाले टाइम में फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में भी बताऊंगा आपको जो कि मार्क्सिज्म से ही उत्पन्न हुआ था चलो जी तो आज के लेक्चर में इतना ही तब तक के लिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और मजे कीजिए ये जो टफ टाइम चल रहा है सेकेंड वेव चल रही है दो में हो सकता है दस साल बाद आने वाली पीढ़ी ये वीडियो देख रही हो तो भाई मैं बता देना चाहता हूं बहुत टफ टाइम से हम गुजर रहे हैं आप नहीं समझोगे पर हो सकता है आने वाले टाइम में और भी टफ टाइम है किसने देखा फ्यूचर चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को और थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए